लिस्ट पढ़ना है हमको। मैं पाइथन इंटरप्रेटर पे खोलता हूँ यहाँ पे CLS, यहाँ पे पाइथन का इंटरप्रेटर खोलने के लिए मैंने पाई किया है और मेरा जो है ये इंटरप्रेटर खुल गया है, बट यहाँ पे ये CLS नहीं चलेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था CLS चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट OS को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। IM import OS और OS.SYSTEM system, और यहाँ पे आप CLS कमांड चलाएंगे और वो स्क्रीन को क्लियर कर देगा। लिस्ट क्या होता है, LI जो है ये एक हमारा लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है। क्लियर है, लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है। जैसे मैंने A=2 किया, ये क्या है, एक इंटीजर टाइप का डेटा है। ठीक है, कैसे जानेंगे हम, तो TYPE टाइप, व्हाट टाइप, A का टाइप दिखा देना है। देखिए यहाँ पे क्लास इंट आ रहा है, किस क्लास का है, इंट का है। ऐसे ही आप फ्लोट करेंगे, यानी A=2.5, तो यहाँ पे आप टाइप करते हैं TYPE, टाइप ए है, ए में मैंने किया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ए का, सॉरी, टाइप जो है ए का वो फ्लोट टाइप में आ रहा है। ऐसे ही अगर आप टाइप करते हैं LI को, LI का, तो आप देखेंगे किसका टाइप क्या आ रहा है, लिस्ट आ रहा है। यानी ये लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है जो लिस्ट वैल्यू स्टोर करेगा। लिस्ट मतलब कलेक्शन ऑफ अदर डेटा, ठीक है, एलिमेंट। तो यहाँ पे हम करते हैं, अब स्टोर कैसे कराएंगे वैल्यू, ठीक है, LI. अगर LI को आप प्रिंट कराते हैं, सिंपल में प्रिंट कराते हैं, तो देखेंगे LI ब्लैंक है, खाली है ना, LI में स्क्वायर ब्रैकेट बस आ रहा है और कुछ नहीं है। LI.APPEND अपेंड, व्हाट अपेंड, टू अपेंड। अब LI को प्रिंट कराएंगे तो आपको LI में वैल्यू मिलेगी। आप LI में और भी कुछ अपेंड करना चाहते हैं तो मैंने किया 2.5 इंटर, देखिए LI की वैल्यू 2.5 भी ऐड हो गई। ऐसे ही कोई नेम वगैरह कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं तो वो वैल्यू आप ऐड करेंगे। मैंने एक नेम अपेंड किया है, अपेंड है इम्पल्स, ठीक है, और जैसे इंटर करते हैं, सॉरी इसलिए प्रॉब्लम आई है कि मैंने सिंगल ओपन किया है और डबल जो है यहाँ पे क्लोज किया, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आई है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, क्लियर करने पर दिखाई तो आपको नहीं देगा, यहाँ पे करता हूँ मैं इम्पल्स और यहाँ पे डबल कोट हम कर देते हैं, ठीक है। अब LI की देखते हैं वैल्यू क्या है, तो पहले क्लियर करूँ मैं OS.SYSTEM CLS, ठीक है। अब LI की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे इम्पल्स भी ऐड हो चुका है, वैल्यू ऐड हो गया है। अब क्या करना है लिस्ट में, ठीक है, अगर आपको इंडेक्स वाइज जानना है तो आप क्या लिखेंगे, LI का 0 पहली वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर स्लाइसिंग करनी है, LI का 2 0:0, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आपको नेगेटिव वैल्यू जाननी है तो आप LI का -1 करेंगे तो उल्टी वैल्यू आपकी आने लगेगी, ठीक है। तो -1 यानी जब लिस्ट पीछे से चलता है तो वो -1 हो जाता है, और लिस्ट जब आगे से चलता है तो वो 0 से चलता है, यानी 0, 1, 2 और ये -1, -2, -3 ऐसे चलने लगेगा। तो ये हमारा लिस्ट है, बाकी लिस्ट के जितने फंक्शन है आपको फंक्शन इंप्लीमेंट करना है और उसे चला लेना है। कॉलन ये स्लाइसिंग के लिए कर रहे हैं, आपको मान लीजिए मैंने अभी और वैल्यू अपेंड कर दिया, LI अपेंड करिए 0 से 1 करिए, अपेंड मैं यहाँ पे करता हूँ और भी नाम अपेंड कर देता हूँ, ठीक है, DURGESH दुर्गेश सर, ठीक है, और एंटर करिए। देखिए यहाँ पे LI पे वैल्यू मैंने अपेंड कर दी है, ये 4 है, मुझे कुछ ही वैल्यू प्रिंट करानी है, स्लाइस एक प्रिंट कराना है, मुझे कराना है 0 से यानी 2.5 और इंपल्स यानी कि 1 और 2 को, तो मैं करूंगा LI का स्लाइस, ठीक है, कितना, 1:3 मैंने बताया था कि n-1 चलता है, बताया था लास्ट क्लास में, थ्योरी में n-1 चलता है, तो यहाँ पे ये 3 लिखेंगे तो आपको सेकंड वैल्यू मिल जाएगी। तो आप जो है LI, फिर आप LI में अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं, जो फंक्शंस बताए हैं मैंने, सारे फंक्शंस पढ़ाए हैं, उस फंक्शन को इंप्लीमेंट करिए और चलाते रहिए, बताते रहिए, कोई गलती और पूछते रहिए। क्लियर है, नेक्स्ट हम आएंगे लेके किसको, टपल्स को लेके आएंगे, टपल बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।